आंदोलन की। आपने एक डायलॉग नहीं सुना था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। भाई ये जो तारीख पे तारीख पड़ रही है ये इसीलिए पड़ रही है कि भैया इसमें किसानों को भी जितना हो सके परेशान कर सकते हो करो, क्योंकि मोदी जी ने किसानों को ही नहीं इस देश में किसी को नहीं बख्शा, इन किसानों को लगातार डेट पे डेट दे दिया रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे तो उसने भी बड़े मजेदार बात करी, एक तो कमेटी बना दी उन्हीं लोगों की जो सरकार के आदमी हैं, और कमेटी की भी डेट दे दी 2 महीने बाद की, और कमेटी 10 दिन में काम शुरू करेगी। इसका मतलब हो गया 2 महीना 10 दिन, इतने दिन में वो काम शुरू करेगी। इसका मतलब ये हो गया, सीधे सीधे माना जाए तो भैया हमें अभी 2.5 महीने तो बैठना ही है, इसका यही मतलब हो गया ना, किसानों को 2.5 महीने तो लड़ाई करनी करनी है ना। और ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है वहां बूढ़े बैठे हैं, वहां बच्चे बैठे हैं, वहां महिलाएं बैठी हैं। अरे तुम्हें इतना दर्द है भैया, इतने आंसू छलका रहे हो, इसे 2 दिन में डिसाइड करके छुट्टी क्यों नहीं करते हो तुम? क्यों आप इसे लटका रहे हो? आपको जो काम करना है वो करो ना, आप इस्टे करके हमें क्या दे रहे हो? और आप देखेंगे बड़ा मजेदार काम है, जो कानून जो स्टे किया है उसमें 2 चीजें बड़ी मजेदार। उसमें ये कहा है ऑर्डर में कि ये कमेटी हमने अपने लिए बनाई है और ये कमेटी हमें बताएगी कि भाई इनमें कौन सा प्रावधान हटाया जा सकता। इसका मतलब जो सरकार बात कर रही है संशोधन की, कोर्ट भी वही बात कर रही, तो क्या माना जाए? कोर्ट जो है सरकार की भाषा बोल रही है, यही हुआ ना। इसका मतलब हमें संशोधन की बात नहीं है, हमें ये तीनों कानून रिपील हो यानी कि खत्म हो, और इसको कोर्ट को पूरा अधिकार है इन्हें नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का। आपने जस्टिस काटजू का बयान सुना है जो फैजान मुस्तफा साहब के साथ में रिकॉर्डिंग है, वो पूरी वायरल हो रही है। आपको मालूम है जस्टिस काटजू ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि कोर्ट का जो काम है उसे करे, राजनीति ना करे। कोर्ट का काम है इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है उसे देखे, इनकी संवैधानिक वैधता को देखे, और इनको डिसाइड करे कि क्या ये संवैधानिक है या नहीं है, ये काम करना है। लेकिन कोर्ट कुछ और ही कर रही है, कमेटी बना रही है, और कमेटी भी बना रही है उन्हीं लोगों की जो सरकार के आदमी, नाम भी उन्हें नहीं दिया होंगे सरकार ने, एक भाग गया एक विकेट गिर गया उनका, यही है ना, इससे बड़ा अपमान क्या होगा, ये स्थिति देखने की। और इसमें एक और चीज है, आपको ध्यान होगा जब आप सिंघु बॉर्डर पर थे 12 तारीख को, आपने मेरे से सवाल पूछा था, इंटरव्यू मैंने आपको दिया था, मैंने एक बात कही थी, क्या इस स्टे के पीछे ये नियत तो नहीं है कि इस स्टे के बाद में गोदी मीडिया आवाज उठाएगा, कब तो सब कुछ हो गया, किसानों की जीत हो गई, और अब क्या कर रहे हैं किसान, अब क्यों बैठे हैं वहां रास्ता घेर के क्यों बैठे हैं? वो बात मैंने तब तक ऑर्डर नहीं पढ़ा था, आज मैंने ऑर्डर पढ़ा, बिल्कुल यही बात उस आदेश में लास्ट की जो लाइन है करीब 8-10 लाइन यही बात कही, उसमें कहा है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ऐसा आदेश मैंने जीवन में नहीं देखा, इस देश की सबसे निचली अदालत उसका जो मजिस्ट्रेट है वो भी ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता जो देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा। वो कहती है अब तो किसानों की बहुत बड़ी जीत हो गई है, बड़ा अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट बड़ा अचीवमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर है, और अब तो उन्हें अपने जो लोगों को नेता जो हैं किसान नेता अपने साथियों को समझाना चाहिए भाई अब तो हम जीत गए हैं, चलो अब आगे उठो, यहां क्या कर रहे हो बैठ के। इसका मतलब मेरी वो बात सही थी, इस स्टे के बहाने इस आंदोलन को कमजोर करने की, आंदोलन का खत्म करने की साजिश है, और ये एक सुनहरा जाल है जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सरकार ने फैलाया है, यही सारी चीजें हैं। तो हम ये पहली, इसीलिए मैंने कहा था लोग पता नहीं इस भाषा को कैसे कहते हैं, मैंने यही कहा था इस देश की कोर्ट खत्म हो गई, मर गई, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गई, उसका देहांत हो चुका है, अन्यथा वो न्याय करती, कानून की बात करती, संविधान की और संवैधानिक प्रक्रिया की बात करती, ये नहीं करती जो वो कर रही है। ये सवाल है मेरा, ये कहा गया है कि कानून पर अमल, कानून के अमल पर रोक लगाई गई है, मतलब ये एक लोगों को एक झांसा देने की एक प्रक्रिया। कानून पर अमल और कानून का क्या मतलब है? दोनों एक ही बात है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल इसलिए कहा गया होगा इसको कि वो कोर्ट जो है, कोर्ट अगर इसको स्टे कर रही है तो कोर्ट को इसको बताना चाहिए क्यों स्टे कर रही है, और कानून को वो स्टे नहीं कर सकती, ऐसा भी कहा जाता है, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं, इसलिए ये भाषा के नियम कानून को नहीं, कानून को प्रक्रिया। अबे कानून का क्या करोगे, प्रक्रिया का क्या करोगे, वो एक ही बात है, ये केवल भ्रम में डालने की स्थिति है, जैसे मोदी सरकार भ्रम में डाल रही है ऐसी कोर्ट भी भ्रम में डाल रही है, मतलब एक ही है। किसको आप, मैं आपसे पूछता हूं और आपके माध्यम से कोर्ट से भी सरकार से भी पूरी दुनिया से पूछता हूं,
दो डिग्री जब टेम्परेचर हो, पीछे आपने देखा चार पांच दिन लगातार बारिश रही, इतनी ठंड हो, अपने घरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर यहाँ बैठे हैं हम, सड़क पर बैठे हैं, किसको अच्छा लगता है? क्या हमें अच्छा नहीं लगता? हम अपने घर में जाके बैठे, अपने घर में खाएं पिएं मजे से, अपना काम करें हम, किसी को अच्छा लगता है क्या? हम भी यही चाहते हैं, लेकिन जब आपने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, सारे रास्ते आपने बंद कर दिए और हमारी जिंदगी और मौत का जो है सवाल होने लगा है, फिर हम घर में क्यों बैठेंगे? हम संघर्ष करेंगे, हमारी मजबूरी है, हम यहाँ बैठे जो है ये सरकार ने बिठा कर रखा है। सरकार अगर चाहती तो हम तो रामलीला मैदान जा रहे थे, क्यों नहीं जाने दिया? क्यों रोका है हमें यहाँ? हम सिंघू बॉर्डर पर क्यों रुकते? हम टिकरी बॉर्डर पर क्यों रुकते? हमें राजस्थान बॉर्डर पर किसने रोक रखा? हमें नोएडा बॉर्डर पर किसने रोका? यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर किसने रोका? सरकार ने रोका है, हम तो नहीं रुके ना, हम तो सीधे साधे जा रहे थे रामलीला मैदान। और रामलीला मैदान किसी के बाप का नहीं है, न प्रधानमंत्री के पिताजी का, किसी का नहीं है ना, वो सभी का है। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि अगर आंदोलन करना तो रामलीला मैदान पे करो, वहीं तो जा रहे थे हम, क्यों रोका हमें यहाँ पे? इसका मतलब यह है कि चित्त भी मेरी पट्टी भी मेरी, जो मन में आए तुम कर दो। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, आपको भी कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। तो हम यहाँ बैठे हैं सरकार के कुकर्मों की वजह से, हम यहाँ बैठे हैं सरकार के तानाशाही भरे और अत्याचार पूर्ण रवैये की वजह से हम यहाँ बैठे हैं, अपनी खुशी से नहीं बैठे हैं। और हम जब तक बैठे रहेंगे, जब तक इन तीनों काले कानूनों को वापस नहीं करवा देंगे, सरकार वापस नहीं लेगी या कोर्ट खत्म नहीं करेगी और MSP को कानूनी बनाएगी, तब तक हम जाने वाले नहीं। मोदी जी ने सबसे ज्यादा तो इस देश के जो बेरोजगार हैं उन्हें मार दिया, 35 करोड़ बेरोजगार हैं, कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। 10-10 साल तक नौकरी के लिए पढ़ते रहते हैं, नौकरी निकलती है, कब निकलेगी पता नहीं, कब फार्म भरा जाएगा पता नहीं, फार्म भर गया तो ये पता नहीं कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम हो गया तो ये पता नहीं रिजल्ट कब आएगा। इसी तरह से एक एक करके सबको मारा, मजदूरों को मारा, श्रम कानूनों को खत्म करके, आपको मालूम है प्रदेशों ने भी खत्म किया, और इसके साथ साथ जो छोटे व्यापारी हैं लघु और कुटीर उद्योग वाले उनको भी नहीं बख्शा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ में आप हैं दीपक जी, मेरे साथ में आप हैं जितेंद्र जी, ये जयपुर से आए हैं, ये दिल्ली से हैं, इनके साथी बॉम्बे से आए हैं। इन MSME, आप जानते हैं MSME देश में 6.5 करोड़ MSME के लोग हैं, 6.5 करोड़, जैसे किसान हैं 14.64 करोड़, ये सरकारी आंकड़ा है। इसी तरह से MSME इतना बड़ा सेक्टर जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार दिया जाता है, उस MSME सेक्टर को मोदी जी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। इन लोगों को ना तो लोन मिल रहा, और लोन मिल गया है वो पटा नहीं पा रहे, तो 3 महीने में NIA हो, इनका जो NPA हो जाता है, और NPA होने के बाद में 3 महीने में इनका जो मकान कुड़ुक, इनकी प्रॉपर्टी कुड़ुक, ये हाल कर रखा, और ये बेचारे मारे मारे घूम रहे हैं। हम तो सोच रहे थे किसान ही है, लेकिन भैया किसानों के साथ ये MSME वाले जो, इनको भी पूरी तरह से सरकार ने तबाह कर दिया। कहने को 20 लाख करोड़ का जो कोरोना में झुंझुना पकड़ा था सरकार ने, आप मालूम है 3,60,000 करोड़ इनको लोन देने की बात की, आदमी लोन लेके क्या करेगा भाई? जो पहले ले रखा है पहले तो उसे पटावे, और जो सामान है जब तक सामान खरीदने वाले नहीं होंगे तो बनेगा कहां से? तो पहले खरीदने वाले हो, सरकार ने किसी को पैसा तक दिया नहीं तो खरीदे कहां? आज की तारीख में खरीदने वाले नहीं है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, इसलिए ये बनाएंगे क्या? इसलिए MSME को तबाह कर दिया। और इसी तरह से किसान, इन किसानों को लगातार डेट पे डेट दे दिया आ रहे हैं।